हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप 12th क्लास का हिंदी मीडियम एग्जाम देने वाले हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ काम का है। बोर्ड चाहे आपका जो भी हो, यह आपके लिए बेहद ही जरूरी का वीडियो है। हमने बोर्ड पर सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक एसिड से संबंधित कुछ प्रश्न लिखे हैं, जरा ध्यान से सुने। क्वेश्चन है पहला कि सांद्र HNO3 को AlCr या Fe के पात्र में क्यों रखा जाता है या क्यों भंडारित किया जाता है? Why we store conch HNO3 in AlCl और Fe container? दूसरा क्वेश्चन है ये कि सांद्र HNO3 को कॉपर के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता? Why not we store? Why we can't store the HNO3, conch HNO3 in कपर कंटेनर? उसी तरह से क्वेश्चन है कि HNO3 को जिंक कपर या Ag के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो किस तरह का रिएक्शन होता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है? फिर उसके बाद क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सांद्र HNO3 के निम्न में से किस धातु के साथ निष्क्रिय हो जाता है, कौन सा ऐसा धातु है जिस धातु के संपर्क में आते ही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आपका इनर्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव हो जाता है। और अगला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सांद्र HNO3 को किस धातु के पात्र में भंडारित नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, इस छोटे से वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहला है कि सांद्र HNO3 को AlCr या Fe के पात्र में क्यों भंडारित किया जाता है। तो आइए जरा एक पात्र लेते हैं। ये मान लीजिए कि पात्र है अल्मुनियम का। ये किस चीज का पात्र है? अल्मुनियम का पात्र है। ये है Al का पात्र। जरा ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चनों के सही जवाब। अब आपने इसमें कॉन्क HNO3 डाल दिया, ये सांद्र HNO3 डाल दिया। मुझे यकीन है कि आपको दिख रहा होगा, सांद्र HNO डाल दिया। होता क्या है कि जैसे ही इसमें सांद्र HNO3 डलाता है, इस पात्र के अंदर वाले सतह पर एक लेयर जम जाता है और यह लेयर HNO3 के साथ अल्मुनियम का संपर्क तोड़ देता है। और ये जो लेयर जो बनता है, आप अगर अल्मुनियम है तो ये लेयर बनता है Al2O3 का, और Al2O3 सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो आंसर ये होगा, ये हो गया आपका HNO3, कि जब HNO3 को सांद्र HNO3 को अल्मुनियम के पात्र में रखा जाता है तो अल्मुनियम के सतह पर एक पतली सी Al2O3 का परत बन जाता है और Al2O3 फर्दर रिएक्शन आगे की अभिक्रिया को रोक देता है। मतलब आपने इसमें HNO3 रखा हुआ है और HNO3 आपका सुरक्षित है। एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यही पात्र लोहा का होता, मान लीजिए ये पात्र जो है लोहा का है, ध्यान दीजिएगा ये पात्र किस चीज का है, लोहा है, ये Fe है और इसमें आपने डाल दिया सांद्र HNO3। ये HNO3 है, कैसा है? तो एकदम बिल्कुल ही सांद्र HNO3 है, याद रखिएगा ये सांद्र होना चाहिए, सांद्र HNO3। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, मैं एक कलर लेना चाहूंगा दूसरा, किस लोहा के जो अंदर वाला जो सतह है, इस सतह पर एक लेयर बन जाएगा और ये जो लेयर है इसमें HNO3 के साथ रिएक्शन को तोड़ दे, किस चीज का ये लेयर बन जाएगा? तो यहां लेयर बनता है Fe3O4 का, और Fe3O4 HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं होने देता है। इसका मतलब कि पात्र में आपने डाला हुआ है सांद्र HNO3 और आपका सांद्र HNO3 उस पात्र में सुरक्षित है। तो क्या जवाब लिखेंगे कि जब सांद्र HNO3 को लोहे के पात्र में रखा जाता है तो लोहे के पात्र के अंदर वाले हिस्सा जो कि जिसके टच में आता है सांद्र HNO3, वहां पर एक Fe3O4 का परत, एक पतला सा परत बनता है और Fe3O4 जो होता है उस निष्क्रिय रहता है, किसके? तो HNO3 से वो निष्क्रिय होता है। मतलब आपने HNO3 डाला है और आपका सारा HNO3 उसमें सुरक्षित है।
तो इस तरह से पहले सवाल का जवाब हो गया। उसी तरह से क्रोमियम है तो क्रोमियम का भी ऑक्साइड बन जाएगा और उसको सुरक्षित रखेगा। तो एक बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्मुनियम के पात्र में जब सांद रेचेनो थ्री को रखा जाता है तो अल्मुनियम के सतह पर एक पतला सा Al2O3 का परत बन जाता है जो कि सांद नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए आपका उसमें HNO3 सुरक्षित रहता है। और यही वजह है कि अल्मुनियम कॉपर आपका ये लोहा को चुना जाता है सांद नाइट्रिक एसिड को भंडारित करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे और मेरी बात सुन करके लैंग्वेज बना लेंगे, ज़्यादा नहीं, कम से कम 4-5 लाइन तो लिखना ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सांद HNO3 को कॉपर के पात्र में क्यों भंडारित नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, इस दूसरा का और तीसरा सवाल का जवाब एक ही साथ में आपको दे रहा हूँ। देखिए, आपने क्या किया, एक पात्र लिया। यहां पर ये फर्स्ट सवाल के जवाब में लिखना था। दूसरा सवाल जो है आपका, ये पात्र है कॉपर का, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर है, इसमें आपने रख दिया HNO3 सांद। देखिए क्या होता है, होगा ये कि आपने तो रखा है ये समझ के कि हमने HNO3 रखा हुआ है, लेकिन उसमें रखे रखे कुछ और हो चुका है। क्या हो जाता है, तो देखिए क्या होता है, ये है आपका कॉपर। तो कॉपर जो होता है आपके HNO3 के साथ में रिएक्शन कर जाता है और बनाता है कॉपर नाइट्रेट, साथ में बना लेगा H2O और NO2 गैस, 2NO2। तो अब स्टूडेंट जरा सोचो यार, आपने तो रखा बर्तन में कॉपर, आपने कॉपर समझ के रखा ना, आप जाएंगे ढक्कन खोलेंगे उसमें कॉपर मिलेगा, लेकिन कॉपर उसमें है ही नहीं, वो किसमें बदल चुका है, कॉपर नाइट्रेट और पानी के रूप में वो बदल चुका है। तो अब बताइए कि कॉपर रखे हैं ताकि कॉपर जरूरत पड़ेगा, सॉरी नाइट्रिक एसिड रखे हैं ताकि जरूरत पड़ेगा तो नाइट्रिक एसिड ना निकालेंगे कि उसमें से कॉपर नाइट्रेट निकालेंगे। तो आपने रखा नाइट्रिक एसिड और उसमें बदल का हो गया है कौन सी, कॉपर नाइट्रेट, और इसलिए आप कॉपर के पात्र में सांद नाइट्रिक एसिड को भंडारित नहीं कर सकते। उसी तरह से तो हो गया, जिंक के साथ भी सेम टू सेम रिएक्शन करता है। अगर आपके पास जिंक है दोस्त, तो जिंक है 4HNO3 रहेगा और यहाँ पर ZnNO3 2 2H2O और 2NO2। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि क्यों जिंक के पात्र में क्या आप सांद नाइट्रिक एसिड को रख सकते हैं कि नहीं। जवाब होगा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आपने जिंक के पात्र में रखा है नाइट्रिक एसिड, लेकिन कुछ देर के बाद हो जाएगा कौन सी, जिंक नाइट्रेट। अरे भाई, तो हमने नाइट्रिक एसिड को रखा है, जरूरत पड़ेगा तो नाइट्रिक एसिड चाहिए मुझे, हमको जिंक नाइट्रेट नहीं चाहिए। इसी तरह से होता है सिल्वर के साथ, ये जो है नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है और बनाता है सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा कि ये जो है H2O बनेगा और साथ में NO2 बनेगा, 2, 3 और 3 6, ठीक है, बैलेंस है, मैं बैलेंस देख रहा था। तो सिल्वर के बर्तन में भी, सिल्वर के पात्र में, चांदी में भी अगर नाइट्रिक एसिड को डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा सिल्वर नाइट्रेट में। हाँ, एक बात याद रखिए कि कॉपर के साथ, सॉरी प्लैटिनम के साथ और गोल्ड के साथ ये नहीं डीजल होता, उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। अब आते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये बताइए कि क्या आप समझ गए कि कॉपर, जिंक और सिल्वर में क्यों HNO3 को नहीं रखेंगे। याद रखिएगा ये सभी सांद्र हैं, आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये सब कैसे हैं, तो सांद्र है, सांद्र HNO3 की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कॉपर, जिंक और सिल्वर नाइट्रिक एसिड से, सांद्र नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके नाइट्रेट बनाता है, जल बनाता है, लेकिन लोहा, अल्मुनियम, आपका क्रोमियम, ये सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे उसके टच में आता है, लोहा के ऊपर एक पतला परत लग जाता है, अल्मुनियम के ऊपर एक पतला सा ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, क्रोमियम के ऊपर एक पतला सा क्रोमियम के ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है और वो आगे अभिक्रिया को रोक देता है। अब आते हैं जरा इस ऑब्जेक्टिव पे, मैं उम्मीद करता हूँ ये तो हो गया आराम से। सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस धातु के साथ निष्क्रिय जाता है, तो आपका होगा पहला जवाब लोहा के साथ, ओ सॉरी ये तो सभी होगा ना, क्योंकि इसमें देखिए लोहा है, अल्मुनियम है और क्रोमियम है, सबके साथ निष्क्रिय हो जाता है।
अब आइए, सान नाइटिक अम्ल किस धातु के पात्र में भंडारित नहीं किया जा सकता? तो आपका जवाब होगा, बताइए, सिल्वर के धातु में, सिल्वर धातु के पात्र में भंडारित नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, आप में से ही किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, हम चाहते हैं कि आप इसी तरह के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे, आप क्वेश्चन मुझे एक पूछिएगा, उसके जवाब में मैं आपको कई गुना माने जवाब रिटर्न दूंगा। मेरी मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इसमें जितनी बातें मैंने बताया है। फिर भेंट होगी कल एक नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठंडा है, रजाई में घुस करके पढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत।